बेंगलुरु के बेदरहाली इलाके में स्थित एक घर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की लाश बेहद खराब हालत में मिली है। पुलिस जब घर में दाखिल हुई तो उन्होंने पाया कि 4 वयस्कों के शव अलग अलग कमरों में फांसी से लटके पाए गए हैं, जबकि 9 महीने के एक बच्चे का शव बिस्तर पर पड़ा था। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि परिवार के सदस्यों की आत्महत्या के बाद बच्चे की मौत भूख के चलते हुई है। वहीं आपको याद दिला दें, इसी तरह का एक मामला साल 2018 में दिल्ली के बुराड़ी से सामने आया था, जहां एक ही परिवार के 11 सदस्य घर की सीलिंग पर फांसी से लटके पाए गए थे। वहीं बात करें बेंगलुरु के इस हादसे की, तो पुलिस को इस हादसे की जानकारी शुक्रवार रात को मिली। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घर का दरवाजा तोड़ा गया तो शवों के बीच एक 2.5 साल की बच्ची पुलिस को जिंदा बरामद हुई, जिसका नाम प्रेक्षा है। फिलहाल उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कहा कि उसे इलाज और काउंसलिंग की जरूरत है। आपको बता दें कि बच्ची उस कमरे में मिली जहां मधुसागर फांसी के फंदे से लटका पाया गया था। वहीं बताया जा रहा है कि बच्ची की मां सिंचना, दादी भारती, मासी सिंधु रानी और मामा मधुसागर, इन सब के शव अलग अलग कमरे में सीलिंग से लटके पाए गए। आशंका जताई जा रही है कि पारिवारिक कलह के चलते सदस्यों ने अपना जीवन अंत कर लिया। वहीं साथ ही यह भी आशंका है कि परिवार की मौत करीब 4 दिन पहले हुई है। बेंगलुरु पश्चिम के डीसीपी संजीव पाटिल ने बताया कि यह मामला तब सामने आया जब घर के मालिक शंकर 3-4 दिन बाद घर पहुंचे, तो उन्होंने जानकारी दी कि बीते 2-3 दिनों से कोई उनका कॉल नहीं उठा रहा था। जब वह घर पहुंचे तो घर में ताला लगा पाया गया, तभी शंकर ने पुलिस को जानकारी दी और दरवाजा तोड़ा गया। उन्होंने कहा घर में प्रवेश करने पर 4 वयस्कों के शरीर अलग अलग कमरों में सीलिंग से लटके पाए गए थे और बच्चा बिस्तर पर था। वहीं शंकर ने अपने बयान में कहा है कि उनकी बेटियां अपने पतियों से झगड़ा करके मायके आई हुई थी। इस मुद्दे को सुलझाने और उन्हें अपने पतियों के पास वापस भेजने की बजाय उनकी पत्नी भारती ने बेटियों को अपने पास ही रख लिया। वहीं पड़ोसियों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्हें सूचना मिली कि शंकर और उनके बेटे मधुसागर के बीच लड़ाई हुई थी। मारपीट के बाद शंकर घर से बाहर चला गया। इस घटना के बाद रविवार को ही परिवार ने आत्महत्या कर ली थी। फिलहाल पुलिस शवों को हिरासत में ले लिया है और जांच जारी है।